हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? मैं हूं जितेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और हम हर रोज़ आपके लिए एक नए से नया वीडियो लेकर आते हैं, गाड़ी आपको नए तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। आज हमें गाड़ी सीखते हुए 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। हमने फर्स्ट डे में बेसिक गाड़ी के बारे में सीखा था और कैसे सीट बेल्ट लगाना है और कैसे हमें गाड़ी के अंदर बैठना है, अपनी सीट को एडजस्ट करना है, कैसे हमने क्लच और ब्रेक के बारे में हमने सीखा था। उसके बाद हमने फर्स्ट गियर लगाना सीखा था। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमने थर्ड, फोर्थ और ऐसे ही हमने सभी गियर लगाना सीखा और स्टेप बाय स्टेप हम गाड़ी सीखते सीखते आगे बढ़ते गए। और हमें कमेंट आ रही हैं कुछ दोस्तों के, कुछ बहनों के, कि बोल रहे हैं हम गाड़ी चलाना सीख तो गए हैं, हमें जब भी हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो हमें घबराहट सी महसूस होती है, हमें डर लगा रहता है। हम आराम से गियर भी लगा लेते हैं, गाड़ी को आगे की तरफ रन भी कर लेते हैं और खुले रोड में हम आराम से गाड़ी चला लेते हैं, लेकिन जब ट्रैफिक आता है तो तभी हमें घबराहट होती है। और यदि हमें कहीं मोड़ पर या चौराहे टर्न लेना होता है तो तभी हमें थोड़ी सी परेशानी होती है। और यदि हमारे साथ में कोई आदमी बैठा हो तो हमें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और हम गाड़ी चला नहीं पाते। तो इसी चीज़ का सोल्यूशन है कि आप सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, इसके लिए कोई मंत्र तो आता नहीं है कि हम आपको मंत्र बता देंगे या आपको कोई ऐसा फार्मूला बता देंगे कि आप उसे करने के बाद आपका डर खत्म हो जाएगा। ये डर तो आपको खुद को ख़त्म करना पड़ेगा, पर इसके लिए एक ट्रिक है। आप डर को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए, स्टार्टिंग में आप कीजिए। आप खुली जगह पर जाइए, गाड़ी को हर रोज़ नहीं ले जा सकते तो दूसरे तीसरे दिन आप गाड़ी को लेके जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये डर से निजात मिलेगी, आप डर से बाहर निकल पाएंगे। देखो, गाड़ी एक ऐसी सिस्टम है, ऐसा प्लेटफॉर्म पर आप काम कर रहे हैं। गाड़ी सीखते समय आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं कि ये इसको समझना बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत ज़्यादा आपको फ्रेश रहना पड़ता है। तो देखिए, आप स्टार्टिंग में गाड़ी सीख रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस होता है, हम गाड़ी चलाएंगे, हम गाड़ी चलाना सीखेंगे, है ना? तो स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस रहता है। जब आप गाड़ी के अंदर बैठ जाते हो तो नर्वस हो जाते हो, और साथ में बैठा हुआ आदमी, साथ में आप जिससे गाड़ी सीख रहे हैं, चाहे तो आपका कोचिंग सेंटर का कोई स्टाफ है, यदि आपका कोई बड़ा बहन भाई है, आपका पिता है, या आपका कोई चाचा मामा है, जो भी है जो आपको गाड़ी सिखा रहा है, जिसकी मदद से आप गाड़ी सीख रहे हैं। हाँ, ध्यान रखना कि कभी भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, फर्स्ट डे में सीख रहे हैं या सेकंड थर्ड, कभी कौन सा भी गियर चलाना सीख रहे हैं, तो आप अपने बेसिक में, जब भी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, गाड़ी सीख रहे हैं, आपको अच्छी तरह से गाड़ी चलाना नहीं आता, आप एक्सपर्ट नहीं हैं, तब तक आपको किसी आदमी का हेल्प लेना पड़ेगा। और आपको ज़रूरी भी है, आप अपने किसी बहन भाई को अपने साथ रखना, अपने मम्मी डैडी को, जिसको भी गाड़ी चलाना अच्छे से आता है उसको साथ रखना, आपको बहुत मदद मिलेगी और आपको किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होगी। और आपको बता दें, यदि आप स्टार्टिंग में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हम गाड़ी चलाना सीख जाएंगे, हम सीखना है, हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, ये तो मैं यूं ही चला लूँगा, ये चला लूँगा, ऐसे ही बोलते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है कि आप गाड़ी के अंदर बैठ जाते हो। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। कन्फ्यूज़ कैसे हो जाते हो? आप सिंगल गाड़ी चला रहे हो, खुद आप अकेले बैठे हो गाड़ी के अंदर, गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तभी आपको कोई घबराहट नहीं हो रही है, गाड़ी बंद भी हो रही है, चल भी रही है, आप दो दो बार तीन तीन बार गाड़ी को स्टार्ट करके चला रहे हैं, आप फर्स्ट गियर की जगह सेकंड लगा रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपके पास में, आपके बगल में आपका कोई रिलेटिव बैठा हुआ है जिससे आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तभी आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है, तभी आपको ज़्यादा शर्म सी महसूस होती है। देखिए कि आप उस समय आप नर्वस हो जाते हैं, एक बार आपसे मिस्टेक होगी, दूसरी बार फिर आप वही मिस्टेक करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में गाड़ी सीखना नहीं आ रहा, आपके माइंड में सिर्फ ये आ रहा है कि हमारे बगल में बैठा हुआ हमारा चाचा जी, हमारे मामा जी, हमारा भाई क्या बोलेगा, कि इसको एक बार बताने के बाद भी बात समझ में नहीं आती, तो आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन रहती है, आपके माइंड में ये सवाल रहता है कि एक बार गाड़ी सिखाने के बाद भी इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
तो ऐसे में क्या होता है कि आपको पहले ये खत्म करना है, अपना ये डर खत्म करना है कि वो हमारा रिलेटिव है या हमारा, तो आपको ये सीखना कि वो हमारा सीनियर है, हमें सिखा रहा है, वो हमारा कोच है, हमें सिखाएगा, जो भी कुछ बताएगा वो हमारे फायदे के लिए ही बताएगा। और आपको अपने अंदर ये रखना है कि हम फर्स्ट टाइम में गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, यदि हमें गियर लगाने का इतना ही पता होता तो आज हम गाड़ी उड़ाना देते, भगाना लेते, या ना हम उनकी मदद क्यों लेते। इसीलिए मदद ले रहे हैं ना, ना कि हमें गाड़ी चलाना बिल्कुल नहीं आ रहा और हमें पूछना पड़ेगा स्टार्टिंग में। देखो कुछ भी है, छोटे बच्चे को या बड़े को, या स्कूल में जाते हैं तो उस समय क्या हमें बताया जाता है, ठीक है। हम कहीं नए रिलेटिव के पास जाते हैं, यदि हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, हमें नहीं पता है भी ये कौन है, तो वहाँ पर भी बताया जाता है कि ये आपके चाचा है, मामा है, जे फूफी के भैया है, जे तकरीबन आपके मामा के नानान के ऐसे है, जो भी है ना, सभी चीज़ बताई जाती है। तो आप यदि गाड़ी चलाना सीख रहे तो आपको बता रहे, आपसे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, यदि आपको नहीं आ रहा है गाड़ी इसीलिए नहीं हो रहा ना, यदि आपको गाड़ी चलाना आता होता तो आप आराम से कर लेते, तो सीखते समय तो ये प्रॉब्लम आएगी, दो बार बंद होगी, चार बंद बार बंद होगी, आप गियर फर्स्ट की जगह सेकंड लगा लेंगे, और आप कभी कभी तो सेकंड की जगह फर्स्ट गियर लगा लेंगे, गाड़ी को दो चार झटके लगेंगे, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। जब सीखेंगे आप भी ट्रेड हो जाएंगे, आप भी सिखाना शुरू कर देंगे। तो आप ऐसे स्टार्टिंग में आप इतना नर्वस मत होइए कि आपको गाड़ी चलाते समय घबराहट हो रही है, तो आप क्या कीजिए, रिलैक्स होइए। जब तक आप रिलैक्स नहीं होंगे आपको गाड़ी चलाना अच्छी तरह से नहीं आएगा। तो हमारी बात को ध्यान से सुनना, क्या कि आपको स्टार्टिंग में किसी बहन भाई या किसी रिलेटिव से गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो आपको ये खत्म कर देना है कि वो हमारे चाचा हैं, हमारे मामा हैं, हमारे भाई हैं। आपको ये सोचना है कि वो हमारे सिर्फ दोस्त हैं और हम जैसे ही हैं, ठीक है, कि हमें भी गाड़ी नहीं चलाना आता, उसे भी गाड़ी नहीं चलाना आता, कोई बात नहीं। और एक बात साथ में ये बात ध्यान रखना है कि हमें यदि कोई मिस्टेक हो जाती है, हम क्लच दबाने की जगह ब्रेक दबा देते हैं, और कभी ब्रेक दबाने की जगह एक्सीलेंट दबा देते हैं, गाड़ी स्लो होने की बजाय तेज दौड़ने लग जाती है, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ तक जाएगी गाड़ी, आपके साथ जो आपका रिलेटिव बैठा हुआ वो उसको कंट्रोल करेगा, आपको बताएगा। ज़्यादा स्पीड, देखिए आप कहीं रोड पर गाड़ी चला रहे हैं फिर तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यदि आप कहीं पार्क में, जहाँ कहीं खुली जगह में, ग्राउंड में गाड़ी चला रहे हैं, जहाँ पर खुली जगह पर स्पेस है, जहाँ पर हम वीडियो शूट करते हैं वहाँ पर पूरा स्पेस है, पूरी खुली जगह हुआ है, क्या होगा, एक्सीलेंट दबाया जाएगा, आप 1 से 2 सेकंड तक दबाएंगे, उसके बाद जो आपके बगल में बैठा हुआ है, साथ में बैठा हुआ, आपको बता देगा कि गाड़ी को भाई छोड़ दे, अभी दोनों पैर और तीनों पैर को उठा ले। यदि आप उसे उठा लेंगे तो गाड़ी क्या स्पीड कम हो जाएगी, गियर में लगा हुआ स्पीड कम रहेगी, गाड़ी झटका लेगी, बड़ा गियर लगा उसको गियर को हल्का कर देगा, पास में बैठा होगा आपका हैंड ब्रेक को लगा देगा, गाड़ी आपकी कंट्रोल हो जाएगी। वैसे इतनी नौबत आती नहीं है जब आप स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, क्योंकि जब आप बेफिक्र होकर गाड़ी चलाते हैं तो अभी तभी आप थोड़ा गलती कर सकते हैं, लेकिन जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपका दिमाग होता है कि हमसे ठुक ना जाए, और ठुक ना जाए इसीलिए आप क्या करते हैं, दिमाग अपना क्लच और ब्रेक और एक्सीलेंट के ऊपर ही रखते हैं, और सामने भी देखते हैं, आपको और कुछ नहीं दिखाई देता होता, और अंदर डर होता है, बस यही चीजें होती है। तो आपको बस ये डर को खत्म करना है, तो ये देखना कि हमें कुछ नहीं पता है, हमें सीखना है, यदि हम गलती करेंगे तभी सीखेंगे, ठीक है। फर्स्ट दिन में हम स्कूल में जाते हैं, पहले दिन से थोड़ी ना ABC सीख जाते हैं, या हम क्या क्या सीख जाते हैं, उसको सीखने के लिए हमें क्या होता है कि कम से कम हमें 1.5-2 महीने वहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमारी टीचर हमें सिखाती है, हम ऐसा लिखो ऐसा लिखो, फिर हमें वो डॉटेड वाले अक्षर दिए जाते हैं जिसके ऊपर हम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम खुद का लिखना शुरू करते हैं, और जब हम अच्छी तरह से स्पार्ट हो जाते हैं, हमें अगली कक्षा में भेजा जाता है, तो हम ऐसे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम स्पार्ट हो जाते हैं और गाड़ी चलाना सीख जाते हैं। हम जब स्टार्टिंग में गाड़ी चलाना सीखे थे तो क्या था, तो उस टाइम मैंने थोड़ी ये यूं गाड़ी उड़ा दी, बस पहले गियर दूसरा तीसरा पहले दिन से सीख गया, मुझे कम से कम गाड़ी सीखने में 2 से 3 महीने लगे थे,
देखो सोचने की बात है, आपको 10 दिन में गाड़ी चलाना स्मार्ट बना रहे हैं और हमें 3 महीने लगे थे गाड़ी सीखने में। ऐसे लगे थे कि हमारे पास जो गाड़ी रुकती थी, पापा की गाड़ी थी जो रुकती थी, क्या करती थी कि वो हफ्ते में एक दिन ही रुकती थी घर में, बाकी दिन वो ड्यूटी जाते थे। सुबह हम नहीं निकाल पाते थे क्योंकि उन्हें ड्यूटी जाना होता था। बोलते थे पापा कि यदि गाड़ी को कुछ हो गया है ना, कुछ इसका इधर उधर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम ड्यूटी कैसे जा पाएंगे। और शाम को वो देरी से आते थे तो हम गाड़ी कब चलाते। जब वो संडे को फ्री होते तभी भी वो कहते आज मार्केट जाना है, कुछ मम्मी के काम धाम होते, कुछ रिश्तेदारों के पास जाना होता है, और बीच बीच में कभी कभी समय मिलता तो मम्मी की मदद से हम गाड़ी एक एक दो दिन के लिए, हम मतलब 1-2 घंटे के लिए हमें गाड़ी मिल जाता। गाड़ी मिल जाता, सिखाने वाला नहीं था तो किससे पूछे। पापा तो फिर नहीं सिखाते थे, वो कहते थे तू ऐसा कर देगा ऐसा कर देगा ना, उससे डर रहता था। तो उसके बाद मम्मी को गाड़ी चलाना नहीं आता था, तो हम फिर अपने दोस्त के पास गए, उसके डैडी को गाड़ी चलाना आता था, तो उसे भी हमने क्या किया कि आपको भी गाड़ी चलाना सिखाएंगे हम, पर आप अपने पापा से बोलो, क्योंकि तो उनके पापा, हमारे दोस्त के पापा थे जो, वो ड्राइवर थे, किसी और की गाड़ी चलाते थे, ड्राइविंग करते थे, इसलिए उसे गाड़ी चलाना तो आता था पर उनके पास गाड़ी नहीं थी। तो गाड़ी हमारे पास थी, ड्राइवर उनका था, सिखाने वाला, तो हमें उसे गुरु बनाना बना लिया। और धीरे धीरे करते एक दो दिन में गाड़ी चलाते रहे, जो थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस होने लगा, हम दोनों दोस्त मिलकर किसी खुले ग्राउंड में ले जाते पापा से छुपा के, तो गाड़ी सीख गई। तो ऐसे ऐसे करते और अभी आगे आगे जाते और सीखते गए और सीखते गए। फिर हमने एक पॉइंट नोट किए कि क्या करने से क्या होता है, कितनी स्पीड पर क्या होता है, गियर कैसे लगाना है, यदि हम ऐसे गियर लगाएंगे, इतनी स्पीड पर गियर लगाएंगे तो क्या होगा। हमने इसके एक्सपीरियंस भी किए, अभी गाड़ी के हमने एक्सपीरियंस करते रहे। मैं रुका नहीं, गाड़ी सीख लिया और बस खत्म कर दिया ऐसे नहीं है। मेरे माइंड में था कि हमें गाड़ी सीखना है, 3 महीने मंथ हमें गाड़ी सीखने में लगे हैं, तो क्यों ना हम गाड़ी सीखना इतना आसान बना दें। कुछ ऐसे हमने ट्रिक इकट्ठे किए, हमने ऐसी नॉलेज इकट्ठी की गाड़ी सीखते सीखते समय कि इन ट्रिकों को हम थोड़ा सा आसान बना दें तो दूसरे बहन भाइयों को गाड़ी सीखना आसान हो जाएगा। ऐसा फार्मूला आपके लिए, ऐसे स्टेप, इतनी स्पीड वगैरह सभी नॉलेज इकट्ठी की और एक आपके लिए वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो देखिए कि अभी ये नहीं आप सोच रहे होंगे कि 3 महीने गाड़ी चलाना सीखा और उसी समय से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हमारा गैप है जो गाड़ी सीखते समय हमें, आज से मान लो हमने गाड़ी चलाना सीखा था, अभी 2024 चल रहा है, तो 2016-17 में गाड़ी चलाना सीखा होगा, ठीक है, अच्छी तरह से याद नहीं है लेकिन हाँ वही 16-17 में होगा, 2016-17 में हमने गाड़ी चलाना सीखा था। उसके बाद हम अपना सर्विस वगैरह करते रहे, ड्यूटी करते रहे और हम अपने काम धंधे में रहे, है ना। उसके बाद फिर हमें जब लगा कि गाड़ी सीखने के लिए अभी और को भी सिखाना चाहिए, हमें दिक्कत आई अभी फ्री निकले, तभी हम क्या करते थे कि आपके लिए एक टॉपिक बना लिया, आपके लिए एक सिस्टम बना लिया हमने कि आप लोगों को भी 3-3 महीने जरूरत ना पड़े, आप सिर्फ 5 से 10 दिन में गाड़ी चलाना सीख जाएं। और ऐसे ऐसे पॉइंट, यदि आप उन पॉइंटों पर जो हमने वीडियो में बताए हुए उन पॉइंटों पर आप फोकस करते हो तो नेचुरली आप 8 से 10 दिन में गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है कि नर्वस नहीं होना है, गाड़ी को सीखना है, 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 5 दिन में नहीं, 10 दिन में गाड़ी चलाना सीखेंगे। कोई भी आप यूट्यूबर पर देखते होंगे कि 5 दिन में गाड़ी चलाना सिखा देंगे, 5 मिनट में गाड़ी चलाना सिखा देंगे, सोचने वाली बात है। ये गाड़ी है, 5 मिनट में तो इसके पूरे ग्राउंड के, इसके बॉडी की हम जजमेंट भी नहीं कर सकते। इसके अंदर फ्रंट बॉर्नर पर ऊपर जब आप हम डैशबोर्ड पर देखेंगे इतने फंक्शन होते हैं कि 5 मिनट में तो हम सभी का नाम भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। गाड़ी के बहुत सारे बेसिक फंक्शन है जो बेसिक है और जो प्रो है उसके बारे में तो हमें आगे जाकर पता चलेगा ना। 5 मिनट में गाड़ी चलाना नहीं सीखा जा सकता, गाड़ी सीखने के लिए थोड़ा लंबा समय चाहिए और आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए और आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए, आप सीखना चाहते हैं तभी आप गाड़ी चलाना सीख पाएंगे, वरना नहीं। तो आप ऐसे यूट्यूबर के साथ मत जुड़िए जो आपको बताता हो कि आप 5 मिनट में ये कर लेंगे, 3 मिनट में ये कर लेंगे, 2 मिनट में ये कर लेंगे। वो सिर्फ एक क्या होता है, अपने व्यू लाइक के लिए वो जो है थंबनेल वगैरह बनाते हैं, बीच में गाड़ी जो सॉरी बीच में जो वीडियो के हैं वो शॉर्ट शॉर्ट स्टेप आपको बताते हैं,
आपको बेसिक नहीं पता और आपको कोई स्टेप बता दिया, फर्स्ट गियर लगाना बता दिया, पर आपको ये नहीं पता गाड़ी के अंदर बैठना कैसे है, गाड़ी के अंदर चाबी कैसे लगाना है, पहले क्लच दबाना है कि पहले ब्रेक दबाना है, हैंड ब्रेक को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, ये सभी कुछ पता ही नहीं है। और आप सीधे फर्स्ट गियर लगाने के बारे में, गाड़ी आगे चलाने के बारे में सीख रहे हैं, तो आपको बेसिक सीखना है, ठीक है। तो ऐसी वीडियो आप उनके साथ मत जुड़िए, ऐसे वीडियो को मत आप फॉलो कीजिए जो आपके नुकसान के लिए है। आप ऐसे यूट्यूबरों के साथ, ऐसे बहन भाइयों के साथ जुड़िए जो आपको अच्छी तरह से गाइड करते हैं, पूरा गाइड करते हैं। और बहुत सारी वीडियो क्या होती है, आप 2-3 मिनट के चक्कर में आप देखते हैं कि हमारा समय बचे। देखो, समय बचाना है तो गाड़ी नहीं सीखी जा सकती, और समय बचाकर गाड़ी सीखेंगे आप तो देखिए आगे का समय, हम बुरा नहीं बोलना चाहते कि आगे रास्ते में आपको कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप शॉर्टकट में गाड़ी सीखेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, आप क्या उसका सोल्यूशन कर पाएंगे, क्या आप उस गाड़ी को ठीक कर पाएंगे विदाउट मैकेनिक के? तो नहीं कर पाएंगे। यदि आप विदाउट मैकेनिक के गाड़ी को ठीक नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको क्या मैकेनिक को बताएंगे इसका क्या हो गया, आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो देखिए, आप थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाती है, लॉन्ग वीडियो को सुनेंगे पूरा देखेंगे, आपको एक बार दो बार देखनी पड़ेगी, ज़्यादा बार नहीं देखनी पड़ेगी। शॉर्ट वीडियो देखेंगे आपको 5 से 10 बार देखनी पड़ेगी, और जब आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी तभी तभी आपको देखनी पड़ेगी। पर लेकिन आपने जब ऐसी यूट्यूबरों की वीडियो देखी जिसने प्रॉपर जानकारी दी हुई है और 10 से 15 मिनट की वीडियो बनी हुई है, आपने वो वीडियो देखी, तो आपको रास्ते में गाड़ी रुक जाती है, रुकते समय आपको कभी अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर यूट्यूब पर सर्च नहीं मारनी पड़ेगी कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आई है और कैसे पता करें। तो ये बात आपको एक पते की बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान में रखना। और आज के लिए बस इतना ही, आज छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातें बन जाती है ना बाद में, तो हमें पहले से ये सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आप कमेंट करते हैं, हमारे पास कुछ दोस्तों के, बहन भाइयों के कमेंट आते हैं, हम उनका रिप्लाई भी करते हैं। खाली कमेंट में आप लिखते हो बहुत बढ़िया सर, आप अच्छा सिखा रहे हो सर, मुझे आपकी वीडियो देखने से मोटिवेट मिलता है सर, आप अच्छे तरीके से बताते हो सर, आप सिंपल सी बात में बताते हो, तो हमें भी अच्छा लगता है। यदि आपको अच्छा लगता है तो उससे ज़्यादा हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा जो जिस सिस्टम बना हुआ है वीडियो सिखाने का, इसको हमें मोटिवेट करते हैं आपके कमेंट, हमें आपके जो लाइक शेयर आते हैं उससे हमें अच्छा लगता है, और हमें भी थोड़ा सा महसूस होता है कि हम जो हमारे पास जानकारी है उसे हम बता रहे हैं और उसे अच्छी तरह से आपको बता रहे हैं, आपका उससे फायदा हो रहा है। यदि आपको वीडियो समझ में लगेगा तभी आप उसको फॉलो करेंगे, तभी आप उस स्टेप को फॉलो करके गाड़ी को सीख पाएंगे। यदि आपको हमारी भाषा का, जहाँ हमारे बताए हुए लैंग्वेज का आपको पता नहीं, बहुत सारा सिस्टम होता है। एक कमेंट आपको बीच में बता दें, बीच में एक कमेंट आया कि सर हमें ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं हम, और हम बहुत सारी वीडियो देखे उसमें ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है, तो इंग्लिश में हमें समझ नहीं लगता, जो हिंदी हिंदी की बातें होती है वो समझ जाते हैं, इसलिए हम आधे गाड़ी सीख चुके हैं आधी गाड़ी नहीं सीख रहे हैं। कहना गियर लगाना, देखो वो मजाक में बात बता रहा था जैसे, तो कह रहा था कि उसका कहने का मतलब ये था कि आप एक ही लैंग्वेज में बोलिए या तो आप इंग्लिश में बोलिए, ताकि उसको इंग्लिश वाले ही सभी लोग समझ सके आराम से, ठीक है। तो वो वीडियो सभी इंग्लिश वाले देख लेंगे, और जो आप हिंदी में बना रहे हैं तो आप हिंदी ही बोलिए, ताकि उस वीडियो को सभी हिंदी के समझने वाले भाई लोग ही सुन सके, देख सके, तो उसे कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो क्या होता है, वो उसका कहने का मतलब था कि हम उनकी बात के साथ सहमत हैं, यदि वो वीडियो देख रहे होते हैं और बीच में हम इंग्लिश बोल देते हैं, अंग्रेजी बोल देते हैं, तो हमारा दिमाग उस इंग्लिश अंग्रेजी की तरफ चला जाता है। इंग्लिश अंग्रेजी की तरफ जब दिमाग जाता है तो हम क्या करते हैं कि उस समय जो हमारा स्टेप बना हुआ है, जो सिस्टम बना हुआ है, गाड़ी सीखते समय हमारा दिमाग फोकस कर रहा है उस पर, हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल छोड़ देते हैं, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो हमारी कोशिश रहती है कि आपके साथ सिर्फ हिंदी में बात करें, और जितना हो सके अच्छी बेहतर हिंदी आपके लिए लिख रहे हैं, इंग्लिश की बातें कुछ कम करें,
यहाँ कुछ ऐसी बातें होती है जिसे सिर्फ इंग्लिश में ही बताया जाता है, तो उसे इंग्लिश में ही बताएंगे, उसके लिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। जो शब्द ही इंग्लिश का बना हुआ है, उस हिंदी में उसका उच्चारण नहीं है, तो आपको सिर्फ हिंदी का ही बताएंगे, इंग्लिश का ही बताएंगे, और हिंदी का है तो हिंदी का ही बताएंगे, ठीक है। और आप बस कमेंट कीजिए और सवाल कीजिए, पूछिए कि आप क्यों नर्वस हैं, आप सवाल कीजिए कि हमें गियर लगाते समय ये आवाज़ क्यों आ रही है, हम गियर लगाते हैं तो झटका क्यों लग रहा है, जब गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी ऐसी आवाज़ क्यों आ रही है। मैकेनिकल के भी सवाल है, जो टेक्निकल मैकेनिकल लाइन के भी सवाल है गाड़ी को ठीक करने के, वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इतना बन गया है। देखिए कि 2017 की बात है, 17-18 की बात है, तभी से लेकर आज तक हम गाड़ी चला रहे हैं, तो हमें पता है कि कौन से फंक्शन पर क्या सिस्टम चल रहा है और गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम आ गई है, उसे कैसे ठीक कराना। और हम मैकेनिक इतने मैकेनिक के पास जा चुके हैं इतने समय में कि हमें पता है जब वो गाड़ी की प्रॉब्लम आती है उसे ठीक करता है, तो हम ध्यान रखते हैं कि वो कैसे करता है, और उससे पूछते भी हैं कि आप कैसे कर रहे हो, इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कैसे ठीक करते हैं, तो सभी चीज़ें को हम ध्यान में रखते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो में बताते रहेंगे, और आपको एक ड्राइवर और एक मैकेनिक भी बताते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो आज ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, बातों बातों में पता ही नहीं चल रहा है कितना समय हो गया, तो आज की वीडियो को इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो आपके लिए एक फिर विनती कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। हाँ, हमारा चैनल पहले से थोड़ा ग्रोथ करने लगा है, आपके शेयर करने से, आपके कमेंट से, आपके लाइक करने से हमारे चैनल की ग्रोथ थोड़ी और तेज़ होने लगी है। बस आप ऐसी तरह हमें कमेंट करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक और शेयर करते रहिए, हम आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे और आपको आपकी भाषा में अच्छी अच्छी तरह से बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।